काम समय को भाग नहीं है। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी ने क्या सोचा, हमने सिखा दी कि बांधना को जाना है और निकल पड़े। लेकिन दो उसी नगर में बालक कहा करते थे, वो बहुत गरीब थे, उनके मन में भी सिखा दी कि बांधना के भाव थे। तो उन्होंने सोचा हम कभी जीवन में सिखा दी कि बांधना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सेठ जी के पास जाकर निवेदन किया कि सेठ जी हमारे पास इतना धन तो नहीं कि हम सिखा दी कि बांधना कर पाए, लेकिन आप जा रहे हो, हमारे पास धन है, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, आपकी गाड़ियों का सामान उठाते रहते रहेंगे, पैरों को घुमाते रहेंगे, आप हम भी लेकर चलो। सेठ जी ने कहा ठीक है। वो बच्चे बहुत गरीब थे, उनका क्या नाम था, देवपाल और खेपाल, शायद आपने नाम सुना भी है। उन्होंने जो बुंदेलखंड में सात भवन हैं फेमस, वो बाद में उनका निर्माण करवाया था देवपाल और खेपाल ने। तो वो सेठ जी के साथ शिखर जी की वंदना को पहुँच गए। शिखर जी सेठ जी बहुत मानी थे, उन्होंने वहां जाकर घोषणा करा दी कि मेरे पहले कोई शिखर जी की वंदना करने नहीं जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा, हम ही जाएंगे। लेकिन काम जहां बाहर हो सकता है, रंग बिरंगे दिखाई दे सकती है, लेकिन जो श्रद्धा के साथ शिखर जी की वंदना करता है उसका पुण्य का मन बहुत होता है। क्या हुआ, रात में उन दोनों भाइयों ने सोचा कि सुबह तो हमारे पास बहुत सारा काम है, सुबह हम वंदना को नहीं जा पाएंगे। तो वो पहले रात को ही निकल गए भगवान की वंदना के लिए। क्या लेके, वो इतने अमीर नहीं थे कि उनके पास मोती होते, इतने भी पैसा नहीं था कि चावल लेके जाते, क्या लेके गए, जोहार लेकर पहुंच गए भगवान की वंदना के लिए। इसलिए हम भी अचार से कहा करते हैं, देव के पास और भैर के पास, राजा के पास कभी भी जीवन में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ द्रव्य लेकर जाओ। आपने देखा होगा कि राजा के पास लोग पहले जाते थे,